नदीम साहब, जितना भी आया है कम पोलिंग स्टेशन कहा जा सकते हैं अभी, क्या तस्वीर बनती नजर? पहले तो वो दोनों जो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं उन दोनों को शाबाश है, क्योंकि मैं तो 5 मिनट में गिर जाता जिस रफ्तार से वो रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं, मैं 5 मिनट एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन दोनों के लिए, या दोनों के लिए वेल डन, बाकी बहुत अच्छा काम। बाकी रिजल्ट्स, इट्स टू अर्ली टू से कि इलेक्शन का रुख क्या है, कहीं पे 2% है, कहीं 1% है चांदी खलकों के अलावा, लेकिन एक ट्रेंड जो बाद केपी में नजर आता है वो इंडिपेंडेंस वाला, वो देख के इंटरेस्टिंग है। लाहौर के हलकों में मैच बड़ा अच्छा जा रहा है, ये भी मजे का मुकाबले चल रहे हैं अभी तक, और बिलावल वाला हल्का है तो तारर साहब बराबर बराबर चल रहे हैं अभी तक, बिलावल के करीब करीब में ज्यादा फासला नहीं हुआ। शहबाज वाले हल्के में प्रेशर है, राजा साहब अच्छा डूइंग वेरी वेल, सलमान अकरम राजा जो पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट है, खोसा साहब इज डूइंग फाइन, साद रफीक की अपोजिशन बेहतर है, लेकिन अच्छा देख के लग रहा है कि एक जो क्लोज कॉन्टेस्ट बाज हलकों में एक्सपेक्टेशन थी कि होना चाहिए वो वैसे ही चल रहा है, सही हो गया, कोई ऐसा नहीं है कि लिख के रिजल्ट मतलब आएगा, मतलब मैच चल रहा है अभी, आखिर वी हैव टू वेट, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट फाइनलाइज होने।